ಊರಿಗೆ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಆಗಮನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಂತರ ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಡಾ ಸಭೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ अमित शा राज्य नड्डा सवारी एर दिन जेपी नड्डा राज्य प्रवासव कैगे तुमकूर चित्रदुर्ग दावणगेरे नड्डा एर दिन प्रवास नूरारू राजकीय लेक्काचार इपत्मूर चुनाव ऐलू केसरी पड़े नड्डा टानिक तुमकूर मधुगिरी प्रमुख जो सभ्य सह ना जेपी नड्डा एरडु दिन आरु मठगळिगे जेपी नड्डा भेटी नीडलिद्दारे कल्पतर नाडु तुमकूरिगे जेपी नड्डा अवरु बंदिद्दारे शक्ति केंद्रद प्रमुखर जोतेयल्लि नड्डा अवरु सभेयन्न नडेसलिद्दारे एरडु दिन जेपी नड्डा अवरु राज्य प्रवासदल्लि इर्तारे ईगागले तुमकूरिगे बंदिद्दारे जेपी नड्डा अवरु तुमकूरु हागे मधुगिरियल्लि प्रमुखर जोतेयल्लि इवत्तु सभेयन्न सह नडेसलिद्दारे ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟೀಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಜಾತಿವಾದ ಪರಿವಾರ ವಂಶದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾತಿವಾದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಬಡವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮ ಕಹತಾ ಹೂ ತೋ ಮೈ ಯೇ ಭೀ ಕಹತಾ ಹೂ ಕಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಜೀ ನೇ रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पैदा की है। हम कर्नाटक के चुनाव में जाएंगे, हम जब कर्नाटक के चुनाव में जाएंगे तो हमारे एक एक नेता यहां जो बैठे हैं वो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके छाती ठोक के बताएंगे ये कहा था ये किया है, ये नहीं कहा था फिर भी करके दिया है, इस बात को हम कह सकेंगे। ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आप चुनाव में जाएं, छाती ठोक के जाएं, जो कहा था वो किया है, विकास के नए आयाम लिखें और कर्नाटक को आगे बढ़ाने में कोई कसर पहले येडियुरप्पा जी ने और बाद में बोम्मई जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये ताकत के साथ आप कह सकते हैं। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कमल के निशान से जुड़ा ऐसा ही नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति और चाल चलन चरित्र बदल डाला है, इस बात को भी द कल्चर द पॉलिटिकल कल्चर हैज टोटली चेंज। एक समय में हमारी कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती थी, एक समय में हमारे कांग्रेस पार्टी जातिवाद के आधार पर भाई को भाई से लड़ाना, जिले को जिले से लड़ाना, प्रदेश को प्रदेश से लड़ाना, नदी के मामले पर झगड़ा करना, हर छोटी बड़ी बात को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती, जातिवाद को बढ़ावा देना, वंशवाद का प्रतिपादित करना, परिवारवाद को बढ़ाना, ये सब कांग्रेस पार्टी करती है और इसके साथ साथ तुष्टीकरण तुष्टीकरण को भी आगे बढ़ाती है, पॉलिटिक्स ऑफ अपील। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं परिवारवाद समाप्त हुआ है राजनीति से, वंशवाद समाप्त हुआ है राजनीति से, जातिवाद समाप्त हुआ है राजनीति से,
को चलने की ताकत है। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.